नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 26 मार्च 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस अधिकारियों के तबादले, सौम्या शाम सेवन एसपी मंडी, शालिनी अग्निहोत्री कांगड़ा की नई पुलिस कप्तान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। शनिवार देर रात को हुए तबादला आदेशों के अनुसार आईपीएस अधिकारी सौम्या शाम सेवन को पुलिस अधीक्षक मंडी, शालिनी अग्निहोत्री को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा और डॉक्टर कुशाल चंद शर्मा को कमांडेंट प्रथम आईआरबीएन बनगढ़ ऊना लगाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से मुख्य सचिव प्रभोज सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिशों पर इन अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। एचपीपीएस अधिकारी बद्री सिंह को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 6 आईआरबीएन धौलाकुआं सिरमौर तैनात किया गया है। इसी तरह तैनाती का इंतजार कर रहे ब्रिजेश सूद को अतिरिक्त एसपी लोकायुक्त शिमला और वीर बहादुर को अतिरिक्त एसपी कांगड़ा तैनात किया गया है। ओएमआर सीट भरने वाले चपरासी गिरफ्तार, एक ही पैन से भर दी थी दोनों अभ्यर्थियों की सीटें। जीओआईटी पोस्ट कोड 939 के पेपर में अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट भरने के आरोपी चपरासियों को विजिलेंस ने शनिवार देर शाम को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ था कि पूर्व में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में तैनात दो चपरासी किशोरी लाल और मदन लाल ने दो उम्मीदवारों की ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें चयनित होने में मदद की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने एक ही पैन से दोनों अभ्यर्थियों की ओएमआर सीटें भरी थी। एफएसएल की जांच में दोनों सीटों पर एक ही इंक मिली है। आरोपी किशोरी लाल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में सिक्रेसी ब्रांच में तैनात था, जबकि दूसरा चपरासी मदन लाल आयोग की एक अन्य ब्रांच में तैनात था। जिन अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट भरी गई उनमें एक प्रत्याशी मदन लाल का बेटा और एक उसका पड़ोसी है। ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करने के आरोप में विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग के दो चपरासी समेत लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, आईजीएमसी में बिना मास्क नहीं मिलेगा प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 77 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। राज्य भर में कोरोना की जांच के लिए 1234 लोगों के सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में कुल कोरोना सक्रिय मामले 410 है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 21 कोविड-19 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। एक संक्रमित को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जिला शिमला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 470 सैंपलों की जांच में शनिवार को 23 नए मामले आए हैं। सरकार ने सुने सभी सुझाव, अब एक्शन से लाएंगे परिणाम, बैठक में बोले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। प्रदेश सरकार सेब उत्पादन एवं इससे जुड़े उद्योग के विकास के लिए सेब उत्पाद को आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों तथा अन्य हितधारकों के सभी सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाएगी। आगामी सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी सुझावों को सुनने की पहल की और अब एक्शन से परिणाम आएंगे। ये जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के सेब उत्पाद को आढ़तियों, शीत भंडारण मालिकों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कही है। बागवान बोले यूनिवर्सल कार्टन में बिके सेब सख्ती से लागू एपीएमसी एक्ट। हिमाचल प्रदेश के लाखों बागवानों के प्रतिनिधि ने हिमाचल एपीएमसी एक्ट सख्ती से लागू करने का मुद्दा सरकार से प्रमुखता से उठाया है। आगामी सीजन से सेब किलो के हिसाब से मंडियों में बेचने की व्यवस्था करने और ढुलाई के रेट प्रति किलो के आधार पर तय करने की बात जोरदार तरीके से एक स्वर में रखी है। सरकार ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय परिसर में सेब सीजन से पहले बागवानों से फीडबैक लेकर आगामी फैसला लेने के लिए बैठक का आयोजन किया। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया डीएलएड पार्ट 1 और 2 का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2022 में संचालित डीएलएड प्रथम और डीएलएड द्वितीय वर्ष रियपेयर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में डीएलएड पार्ट 1 बैच 2021-23 और 2020-22 का परिणाम 86.1 जबकि डीएलएड पार्ट 2 बैच 2020-22 और 2019-21 बैच का परिणाम 94.5% रहा है।
सौ सरकारी स्कूलों को जारी हुआ ज्ञानोदय योजना में 15-15 लाख रुपए का बजट। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना में प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को 15-15 लाख रुपए का बजट जारी हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय को सरकार ने कुल 15 करोड़ की राशि जारी की है। प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने को साल 2020 में जयराम सरकार ये योजना लाई थी। योजना के तहत चयनित 100 विद्यालयों में गुणात्मक बदलाव तथा छात्र शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित कर सुधार किया जाना है। योजना के तहत इन स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, पीने के पानी का उचित बंदोबस्त होगा, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, पुस्तकालय बनाए जाएंगे। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदेश में हल्लाबोल आंदोलन करेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सोमवार से प्रदेश भर में हल्लाबोल आंदोलन शुरू करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सोमवार को आंदोलन शुरू कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता जल्दबाजी में सरकार के दबाव में रद्द की गई है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाए जाना भाजपा की छोटी मानसिकता और जनादेश का अपमान है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूजी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जारी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जारी कर दिया है। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। जिन विद्यार्थियों का पंजीकरण सरदार पटेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हो चुका है उनकी सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी है। सीएम सुख बोले राहुल गांधी हिंदुस्तान की आवाज नहीं दबाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा कि राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की आवाज है, उसे दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि अदालत का निर्णय आने के 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका जा सकता है, लेकिन जनता के बीच उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ यात्रा के दौरान जिस तरह से हुजूम उमड़ा, उससे भाजपा घबराई हुई है। 1700 करोड़ और लोन लेगी हिमाचल सरकार, 29 मार्च को सरकार के खाते में आ जाएगा पैसा। अगले साल का बजट पेश करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1700 करोड़ रुपए का लोन और लेने का फैसला किया है। इस बारे में बीते शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई है। ये लोन 1000 करोड़ और 700 करोड़ रुपए की दो किस्तों में लिया जाएगा। राज्य सरकार का अगले वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किए गए बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। लोन के रूप में दिए जा रहे 1700 करोड़ भी 29 मार्च को ही राज्य सरकार के खाते में आ जाएंगे। नई बात यह कि वित्त वर्ष 2022-23 में लोन के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है। इस वित्त वर्ष में इस 1700 करोड़ को भी मिला दे तो लोन की सीमा 14000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। मरोटीवाला के बटेड में बनेगी सौर बैटरी ई रिक्शा, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के मरोटीवाला के बटेड में सौर बैटरी और ई रिक्शा का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ बद्दी में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का विस्तारीकरण किया जाएगा। इकाइयों के विस्तारीकरण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। बीते दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो स्वीकृति की बैठक में औद्योगिक इकाइयों के विस्तारीकरण को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से जहां निवेशकों को लाभ मिलेगा, वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। जयराम ठाकुर बोले राहुल गांधी के मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी का सदन को स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला चल रहा था, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले पर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की ओर से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ने कहा कि सजा सुनाई जाने के उपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 क्लोज 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के अंतर्गत स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाई जाती है तो उसकी सांसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। एचआरडीसी के ड्राइवर कंडक्टर को 40 महीनों से नहीं मिला ओवरटाइम, फरवरी 2019 के बाद नहीं हुआ भुगतान। एचआरडीसी में ड्राइवर और कंडक्टर को 40 महीनों से ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है। फरवरी 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एचआरडीसी के ड्राइवर व कंडक्टर को नाइट ओवरटाइम का भुगतान करना बाकी है।
ड्राइवर और कंडक्टरों के ओवर टाइम के भुगतान को लेकर कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने विधानसभा में सवाल लगाया था। इसके लिखित जवाब में सीएम सुक्कू ने कहा कि ड्राइवर और कंडक्टरों को नाइट ओवर टाइम का भुगतान बजट की उपलब्धता पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। वहीं एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर लगातार 40 महीनों के नाइट ओवर टाइम को जारी करने की मांग उठा रहे, लेकिन एचआरटीसी प्रशासन की ओर से घाटे की बात की जाती है। ऐसे में एचआरटीसी में तैनात करीब 9000 ड्राइवर और कंडक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमपात से आटा टनल बंद, प्रदेश में अभी और सताएगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहा। बर्फबारी होने से आटा टनल रोहतांग यातायात के लिए बंद हो गई है। सोलंग नाला से आगे वाहन नहीं भेजे गए। आटा टनल रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में बर्फबारी हुई है। टनल के साउथ पोर्टल से धुंधिता के दायरे में सड़क पर बर्फ के कारण फिसलन को देखते हुए इस मार्ग पर दोपहर बाद वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। दोपहर तक सिर्फ 4x4 वाहनों को ही आटा टनल पार करने की अनुमति थी। राजधानी शिमला में दिन में धूप खिली रही, शाम को बारिश हुई है। बिलासपुर, सुंदरनगर, भुंतर, धर्मशाला, नान, मनाली, कांगड़ा, मंडी और चंबा में भी बादल बरसे हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को बारिश बर्फबारी के आसार है। सोमवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 और 29 मार्च को शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार है। बिलासपुर में पुलिस ने 3 जगह पकड़ी 5 किलो से अधिक चार्ज, चंबा के व्यक्ति सहित 5 गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस ने जिला के 3 अलग अलग स्थानों पर 5 किलो 102 ग्राम 32 मिलीग्राम चार्ज पकड़ी है। चार्ज के 2 मामले सदर थाना पुलिस ने नोनी के पास पकड़े है, जबकि बरारी थाना पुलिस ने बदरेट में चार्ज का मामला पकड़ा है। पुलिस ने इन मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मामले दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ऊना में किसानों पर बर्फा मौसम का कहर, अंधड़ और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान। बेमौसमी बारिश, अंधड़ और कहीं ओलावृष्टि से जिला भर में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में ये फसल पूरी तरह से बिछ गई है। शुक्रवार सायं से शुरू हुई बारिश पूरी रात लगी रही। शनिवार को भी खूब बारिश हुई है। खेत खलिहान पानी से भर गए। बारिश से गर्मी से भी राहत मिली, लेकिन दिक्कतें किसानों को हुई है, जिनकी फसलें मौसम की भेंट चढ़ गई है। पूरी की पूरी फसलें खेतों में चादर की तरह बिछ चुकी है। नगर निगम इस बार लागू हो सकता है नया रोस्टर, सरकार ने किया नियमों में संशोधन। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी होने से ठीक पहले सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है। शनिवार को इस बारे में शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार इस बार नगर निगम में नया रोस्टर लागू हो सकता है। शहर में कुल 34 वार्ड है, इसमें महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने के लिए 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होना तय है।